हेलो माय डियर किड्स, दिस इज चेतन सर। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है बच्चों, इट इज लेक्चर 3। तो पहले जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 था, जो कि बीटा सीरीज का था, ठीक है। सो आई हैव कंप्लीटेड दीज टू लेक्चर्स टिल पेज नंबर 17 कंप्लीट कर लिया था। सो 18 पे हम लोग अटके हुए थे, ठीक है। सो ऑन दिस पेज वी हैव द कंसेप्ट कॉल्ड अपेंडिक्स। ये स्टमक वाला अपेंडिक्स नहीं है। सो बेसिकली अपेंडिक्स टर्म का मीनिंग क्या है, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स इन द अपेंडिक्स वी आर गोइंग टू लर्न। माय डियर किड्स, दीज आर द हेल्पिंग टर्म्स। ये क्या रहेंगे, हेल्पिंग टर्म्स रहेंगे, जिसमें आपको सिंबल्स देखने को मिलेगा। वट आर दीज हेल्पिंग टर्म्स, जिसमें आपको सिंबल्स देखने को मिलेगा और प्रिफिक्सेस, ठीक है, और मेजरमेंट्स। स्पेसिफिक क्वांटिटीज एंड मेनी अदर थिंग्स। फाइन, एंड मेनी अदर थिंग्स। सो What are the uses of these, sir? So these things will be used in physics, my dear kids. तो ये सारी चीजें कहाँ पे यूज होने वाली हैं? ये आपके फिजिक्स में यूज होने वाली हैं, ठीक है? तो सारे के सारे चीज वी आर गोइंग टू सी इन टू लेक्चर 3। सो बेसिकली अपेंडिक्स इज द सिंगुलर टर्म, ये सिंगुलर है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे अपेंडाइसिस आपको कहाँ पे मिलेंगे, एट द पेज नंबर 18। सो अपेंडिक्स 1 से लेके अपेंडिक्स 8 तक हमको पढ़ाई करना है। सो विच विल बी गोइंग टू सी एट द पेज नंबर 18, ठीक है। तो पहले अपेंडिक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला अपेंडिक्स इज ऑल बेस्ड अपॉन ग्रीक लेटर्स, ठीक है। सो यूसेज ऑफ ग्रीक लेटर्स इन टू द फिजिक्स, कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज होते हैं सर। Why we are using these Greek letters, sir? Why we are not using the English letters, sir? Basically, my dear kids, to express the ideas, कोई भी आइडिया हो फिजिक्स में, उसको कंपैटिबली एक्सप्लेन करने के लिए, या बहुत बड़ा आइडिया है और उसको सिंगल टर्म में एक्सप्रेस करना है। सो फॉर दैट पर्पज ग्रीक लेटर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो सिग्निफिकेंट रहेंगे वो सारे। और ग्रीक लेटर्स में एक ऐसी खूबी है, विद सिंगल वर्ड और विद द सिंगल लेटर आप क्या कर सकते हो, पूरे आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको आप लोग कई बार देखते हो तो लगता है कि दिस इज कॉल्ड एज अल्फा, है ना। सो अल्फा डिफरेंट होता है ऐसा ऊपर, और ये क्या होता है, ये आपका प्रोपोर्शनल साइन होता है। दिस इज अल्फा, तो दोनों एक जैसे दिखते हैं, एंड दिस इज प्रोपोर्शनल साइन, ठीक है। प्रोपोर्शनल साइन मीन्स सिंबल, ठीक है। सो दिस इज अल्फा, बस इससे थोड़ा सा ऐसा ऊपर खड़ा कर दो, बस सिंपल, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा, इतना ही। सो वी आर गोइंग टू सी दैट माय डियर किड्स, सारी चीजें। तो पहले तो हम एक क्या कहते हैं, टेबुलर कॉलम बना लेते हैं। सो माई डियर किड्स, लेट अस स्टार्ट। तो कॉलम हम लोग स्टार्ट करते हैं, दिस इज अवर कॉलम, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, एंड बेसिकली दिस इज द कॉलम इज यूज टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द लेटर, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते तो ठीक रहता, कोई दिक्कत नहीं वैसे। चलो, इतना तो हमने बना लिया, तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से बना लेते हैं, ठीक। नाउ ये तो कॉलम बन गया अपना, राइट। सो वी आर गोइंग टू मेक समवॉट आठ इसमें बैठे, ऐसा हम लोग
नंबर्स बना लेते हैं, आठ कॉलम्स बैठे इसमें, सो दैट वी कैन इजीली मेक दीज रिप्रेजेंटेशंस. ठीक है, सी हियर. तो हम कितने रोज बना रहे हैं इसमें? एट रोज. ठीक है, तीन कॉलम्स तो हैं बेसिकली. वैसे मैंने कॉलम बोल दिया, सॉरी, पहले. ओके, सो दीज आर द एट रोज. तो मेन रो तो है ही वहां पे ऊपर. ठीक है, चलो बना लिया इसको. सो माय डियर किड्स, रेड वाला कलर यूज कर लेते हैं. सो फर्स्ट वन इज यहां पे आपका ग्रीक नेम फॉर द लेटर. ठीक है, और ये आपका अपर केस होगा, ये आपका लोअर केस. ओके, फाइन. सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर इज ग्रीक अल्फाबेट्स. सो दीज ग्रीक अल्फाबेट्स वी यूजुअली यूज इन टू द फिजिक्स. ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस फिजिक्स में बहुत है, सो वी आर यूजिंग दिस. तो नंबर्स कितने हैं? नंबर्स इज 24. तो 24 ग्रीक अल्फाबेट्स हैं. तो पहला वाला जो आपका है दैट इज अल्फा. ठीक है, क्या है? अल्फा. तो आप जब कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल ए जैसा हम इंग्लिश अल्फाबेट्स में लिखते हैं, सो अल्फा कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ ए इन द अपर केस ऑर्डर ऑफ द ग्रीक लेटर्स. ठीक है, तो लोअर केस में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे. ठीक है, ऐसे. दिस इज अल्फा, मुच्छों की तरह. ठीक है, एंड द सेकेंड वन, दिस इज फर्स्ट वन, एंड द सेकेंड वन इज बीटा. तो बीटा के लिए अपर केस में वी आर यूजिंग इट एज बी. ठीक है, फॉर द लोअर केस वी आर यूजिंग इट एज अ स्मॉल बी. ठीक, चलो. एंड थर्ड वन इज, थर्ड ग्रीक नेम फॉर द अपर केस इज गामा. क्या करके बोलते हैं हम लोग? गामा. तो इसको आधे टी की तरह यूज करते हैं इसको अपर केस में. फाइन, एंड हियर लोअर केस, फॉर द लोअर केस वी आर यूजिंग इट एज ऐसे, गामा. ठीक है, एंड फोर्थ वन, फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन इज डेल्टा. ठीक है, डेल्टा. तो डेल्टा के लिए अपर केस में कैसे यूज किया जाता है? लाइक दिस, छोटा वाला ट्रायंगल. ओके, एंड फॉर द लोअर केस ऑर्डर ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट्स यू आर यूजिंग ऐसे, थोड़ा बहुत यस जैसा दिखता है जिसको आपने अंदर से कवर कर लिया. सो फॉर द फोर लेटर्स वी यूज्ड रेड कलर. जो रिमेनिंग फोर लेटर्स है उसके लिए हम लोग ग्रीन कलर यूज करते हैं बच्चों. दैट विल बी फाइन, दिखने में भी अच्छा रहेगा. ठीक है, तो चलो बच्चों लिख लेते हैं. ठीक है, फिफ्थ वन. ठीक है, इट इज जेटा. वेट, अरे नहीं, इट्स नॉट जेटा, इट्स एप्सिलॉन. ठीक है, एप्सिलॉन. ठीक है, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड विथ कैपिटल ई, कैपिटल ई. एंड तो इस एप्सिलॉन को हम लोअर केस में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई, जैसे आप इंग्लिश में यूज करते हो ना. फॉर द कैपिटल लेटर ई वी आर रिप्रेजेंटिंग द अपर केस ऑफ द एप्सिलॉन. ठीक है, एंड द सिक्स्थ लेटर ऑफ ग्रीक, यहां पे आपको जेटा मिलेगा, जो कि हमने फिफ्थ में लिखा था गलती से. ठीक है, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड इन द अपर केस वाला कॉलम में कैपिटल जेड से, एंड लोअर केस में ऐसे सिंबल. ठीक है, चलो थोड़ा सा और अच्छी तरह से निखर तरीके से लिखते हैं. ठीक है, ऐसे, दिस इज जेटा. क्लियर, एंड द सेवेंथ वन इज ईटा, ईटा. ठीक है, तो ईटा क्या है? ईटा के लिए आपको
कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कैपिटल एच. एंड द लोअर केस ऑफ ईटा विल बी एन को थोड़ा सा, एन का जो दूसरा वाला ये वाला है ना, थोड़ा सा नीचे खींचने का. यू कैन राइट लाइक दिस, ऐसे. ठीक है, दिस इज ईटा. फाइन. This is eta, and the eighth one is theta. ठीक है, theta. तो upper case वाला theta जो है ना, इसको थोड़ा सा bulk में लिखते हैं, मतलब टमाटर की तरह. So this is theta. यार थोड़ा सा इसको modify कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे दिखने में. This is upper case theta, and the lower case theta will be like this, जो हम regularly बनाते हैं. ठीक है, simple. तो हमने 8 letter डाल लिए, ऐसे और 16 letters हैं. तो पहले इसको rub कर लेते हैं, फिर हम remaining 16 letters को जाएंगे. ठीक है, तो rub कर लिया बच्चों, अभी हम start करते हैं with the नाइन्थ ग्रीक लेटर. ठीक है, ये आपका नाइन्थ ग्रीक लेटर है आयोटा. क्या है आयोटा? सो इट इज रिप्रेजेंटेड विथ व्हाट? कैपिटल आई. और लोअर केस अपर केस कैपिटल आई से हुआ, और लोअर केस स्मॉल आई जैसा ही दिखता है. ठीक है, एंड द टेंथ वन इज कपा. सो टू रिप्रेजेंट Kappa with the upper case in the Greek alphabets, capital K से represent करना है. ठीक है, और iota को capital I से. And lower case it will be with the designed order of K. तो ऐसे कुछ designed order Kappa को. तो 11th one आपका lambda, जो कि वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, लैम्डा. ठीक है, सो ये वाला आपका उल्टा वी. ठीक है, अपर केस में उल्टा वी. सो दिस इज नथिंग बट लैम्डा इनटू द अपर केस. तो लोअर केस के लिए इट शुड बी, वी आर यूजिंग दिस सिंबल, वी यूज टू नो दिस सिंबल. ठीक है, तो ये लैम्डा है फॉर द 12th. तो आपका हो गया ये आयोटा, कपा, लैम्डा और म्यू. ठीक है, ये आपका म्यू. वेट, म्यू है जो कि वी यूज टू रिप्रेजेंट दिस म्यू विद द कैपिटल एम सिंबल इन अपर केस. So this is represented in the lower case. U का एक कान खींचो, आपको म्यू मिल जाएगा. ठीक है, I used to say always, है ना? ऐसे. चलो, हो गया. So we are using different color. तो ब्लू तो हो गया, अभी ब्राउन कलर यूज करते हैं टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, 13th वन. तो 13th वन यूज करने के लिए ब्राउन कलर. तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों. म्यू के बाद आएगा आपका न्यू. ठीक है, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन द ग्रीक लेटर्स. ठीक है, ऑफ द अपर केस ऑफ ग्रीक इज विथ कैपिटल एन, एंड द सिंबल फॉर लोअर केस विल बी वी के दोनों कान खींचे हुए हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मेरे वाले लेफ्ट. ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसे, देखो ऐसे. ठीक है, सिंपल. देन न्यू के बाद आता है आपका जी, जी ऐसे, जी. ठीक है, तो इस डी जी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपर केस ऑफ ग्रीक लेटर यू आर यूजिंग पोस्ट बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ऐसे इस तरह का कैपिटल अपर केस. ठीक है, अंदर छोटा सा एच. दिस इज
जी, और फॉर द लोअर केस यू शुड यूज लाइक दिस, ऐसे ऐसे. इज दैट क्लियर? ओके, सो फॉर द 15th ओमिक्रॉन, कौन सा वाला? ओमिक्रॉन. एंड फॉर द अपर केस कैपिटल ओ, ठीक है. फॉर द लोअर केस स्मॉल ओ, ठीक है. एंड द 16th वन आपका न्यू होगा, जी हुआ, ओमिक्रॉन हुआ, अब आएगा पाई, पी आई पाई. तो इसका जो कैपिटल लेटर कह लो ऑफ द ग्रीक और अपर केस कह लो, यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस. एंड द लोअर केस ऑफ द पाई विल बी ऐसे. ये तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा लोअर केस, ठीक है. सिंपल है, सिंपल है. सो दीज आर द 16 लेटर्स वी ऑलरेडी रिटन. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट वन. फाइन, इसको रब कर लेते हैं बच्चों. सो माय डियर किड्स, द 17th ग्रीक लेटर. तो 17th ग्रीक लेटर जो है बच्चों, इट इज रो, ठीक है. तो अपर केस सिंबल ऑफ द रो इज कैपिटल पी, मतलब कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है रो को. एंड द लोअर केस फॉर दिस इज ये वाला, ठीक है. यू कैन राइट लाइक दिस, ऐसे ऐसे. फाइन, एंड आफ्टर रो इज सिग्मा. सो 18th ग्रीक लेटर कौन सा है? सिग्मा है. सो अपर केस सिंबल ऑफ द सिग्मा विल बी ऐसे. फाइन, एंड द लोअर केस सिंबल ऑफ द सिग्मा विल बी लाइक दिस, ऐसे कर सकते हैं. फाइन, द 19th वन इज टाउ. टाउ नहीं, टाउ. तो बच्चों अभी यहां पे टाउ को रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर यूजिंग कैपिटल टी, कैपिटल अपर केस, ठीक है. एंड फॉर लोअर केस इट इज टी को उल्टा जे बना दो, ठीक है. एंड 20th वन रो हो गया, सिग्मा हो गया, टाउ हो गया, फिर आपका आता है यूप्सिलॉन, यूप्सिलॉन, ठीक है. तो यूप्सिलॉन को जो कैपिटल लेटर मतलब अपर केस आता है, दैट इज वाई, ठीक है. कैपिटल वाई, विद कैपिटल वाई यू आर रिप्रेजेंटिंग वॉर यूप्सिलॉन. और इसका जो लोअर केस है दैट विल बी स्मॉल यू, ऐसे स्मॉल, थोड़ा सा ऐसे बना सकते हो, ठीक है. नो इश्यूज. सो दिस इज यूप्सिलॉन. देखो इसमें और न्यू में, ये आपका न्यू है, ठीक है. एंड दिस इज यूप्सिलॉन, यूप्सिलॉन, ठीक है. तो यूप्सिलॉन कैसा है? ऐसे है, थोड़ा सा चौड़ा. न्यू कैसा है? दोनों के दोनों का एक ही डायरेक्शन है, लेकिन एक यूप्सिलॉन में क्या है, एक कान नहीं है, एक कान एक डायरेक्शन, ठीक है. सो लाइक दिस यू डू इट, ठीक है. सो वी आर यूजिंग द डिफरेंट कलर फॉर द 21. तो पहले इसको थोड़ा सा जगह खाली कर लेते हैं, रख कर, ठीक. सो वील मूव फॉर द, फिर क्या करते हैं, 21 के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक. सो माय डियर किड्स, वी आर गोइंग टू राइट द 21. तो बेसिकली हम अगर 24 तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो अपेंडिक्स A1 कंप्लीट हो जाएगा. द टर्म्स विच विल बी यूज्ड इन फिजिक्स टू राइट द आइडियाज इन टू शॉर्टर फॉर्म्स, क्योंकि इंग्लिश से ज्यादा ग्रीक लेटर्स में हम कोई भी बिग आइडियाज को छोटे लेटर्स में अगर लिख सकते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट से भी बेहतर अगर कोई लैंग्वेज है, दैट इज ग्रीक अल्फाबेट्स. सो दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग इंग्लिश अल्फाबेट्स टू रिप्रेजेंट द आइडियाज, बिगर आइडियाज, ठीक है. तो चलो बच्चों, आपका जो 21 था ग्रीक अल्फाबेट, इट वॉज फाइव, ठीक है, नॉट एफ आई वी ई, ठीक है, ना कि फाइव, ये दोनों नहीं, फाइव, ओके, फाइव.
अगर इंग्लिश का उच्चारण करें फाइव या ए आई कह लो दैट इज बेटर फाइव. ओके तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा वाला मिर्च ले लिया ठीक है, और या बड़ा वाला बलून ले लिया उससे उस पर हमने आई डाल दिया ठीक है, ऐसे ऐसे बड़ा वाला कैपिटल. सो दिस इज द अपर केस ऑफ व्हाट फाइव. द लोअर केस ऑफ फाइव इज इसको इतना ही लिखते हैं ठीक. और इसी को क्या कर सकते हैं, ऐसे खींच के ऐसे ठीक, ऐसे यू कैन सी ऐसे. सो दिस इज स्मॉल केस, स्मॉलर केस. एंड ऑल्सो यू कैन राइट लाइक दिस, इसको भी फाइव ही बोलते हैं ठीक. द 22 अल्फाबेट ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, सो दैट इज ची, सी एच आई ची. तो इसका जो सिंबल रहेगा अपर केस वाला दैट विल बी कैपिटल एक्स, एंड लोअर केस सिंबल ऑफ जी थोड़ा सा एक्स को क्या करेंगे फैशनेबल वे में लिखते हैं, बस इतना ही. ओके एंड अगर आपको दिखाना चाहूं तो यू कैन राइट लाइक दिस, ये देखो ये वाला मतलब राइट मेरा वाला राइट, राइट से लेफ्ट हैंड. तो ऐसे अगर स्ट्रेट खींचना है तो लेफ्ट से राइट को ऐसे सिंबल बनाना है ठीक है. ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे. सो दिस इज नथिंग बट लोअर केस ऑफ जी ठीक है. अभी जी हो गया, अभी इसको पी एस आई मत बोलना, इसको साई बोलते हैं, पी साइलेंट हो जाता है, साई साई ठीक है. तो अपर केस सिंबल ऑफ दिस साई विल बी व्हाट यू नो, त्रिशूल, त्रिशूल. सो दिस इज साई. एंड लोअर केस सिंबल ऑफ द साई सर इट इज ऑल्सो त्रिशूल, छोटा वाला. ओके द 24th वन इज ओमेगा, ओमेगा ठीक है. इस ओमेगा को रिप्रेजेंट करने के लिए अपर केस में आप ये वाला ऐसे बनाते हो सिंबल, एंड द लोअर केस सिंबल ऑफ द ओमेगा विल बी डब्ल्यू को घुमावदार बनाते हो ऐसे ठीक है, ऐसे कटा हुआ शिमला मिर्च डब्बू मिर्च ठीक है सिंपल. सो अपेंडिक्स ए वन इज ओवर माय डियर किड्स, हमारा क्या कंप्लीट हुआ, वी हैव कंप्लीटेड द अपेंडिक्स ए वन ठीक है. तो इसके बाद जो है ना हम लोग अपेंडिक्स ए टू के तरफ बढ़ेंगे फाइन. सो वी हैव कंप्लीटेड अपेंडिक्स ए वन, सो इसको रब कर लेते हैं बच्चों. आफ्टर दिस वी कैन मूव टू द अपेंडिक्स ए टू ठीक है. तो 24 अल्फाबेट्स हमने कंप्लीट कर लिया ठीक है, चलो इसको क्लोज कर देते हैं. My dear kids, we are going to see appendix A2, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा mark out कर लेते हैं बच्चों, क्या हम highlight कर रहे हैं ये वाले particular clip के साथ ठीक है. So listen up. Now common SI prefixes and symbols of multiples and sub multiples. So my dear kids, we are going to see common SI prefixes and symbols of multiples and submultiples. So basically multiple kya hota hai? So whenever you are writing out a multiple, so basically you are writing the factor getting multiplied with one quantity. ठीक है, एक factor जाके quantity के साथ क्या होते रहता है, multiply करते रहता है. So the order of this factor will be in terms of 10 to the power something, x कह लो, या 10 to the power n कह लो, कोई दिक्कत नहीं, x कहने से better है, 10 to the power n is multiplied with q. So ये जो है ना, इसको हम कहते हैं multiple. And when you are writing q divided by 1,
say for example 10 to the power यहाँ पे अगर q divided by 1 भी लिख रहे हो and it is getting multiplied with the numerator, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, it is called as, ये वाले को हम कहते हैं मल्टीपल, ठीक है, so multiple factors, and if the multiplication is taking place with a factor 10 to the power n to the denominator, ठीक है, इस quantity के साथ denominator, so this is called as sub multiple, इसको क्या कहते हैं sub multiple, is that clear my dear kids, क्या मैं जो कह रहा हूँ आपको clearly समझ में आ रहा है, if the 10 raised to n order, मतलब 10 to the power कोई भी n का order हो, if it is get multiplied with the numerator of the quantity, so that factor is called as multiple factor, and when the same type of quantity 10 raised to n order wala, if it is get multiplied to the denominator of the quantity q by 1 ko, so 10 raised to n ko hum kya kehte hain, sub multiple factor, theek hai, so we got clear idea regarding multiple and sub multiple, to ye jo 10 raised to n ka order hai na, always it will be having specific values, to n ki jo values rahengi na, it will be always specific, तो जीरो को ना पकड़ते हुए, जीरो को ना पकड़ते हुए, we are going to take the positive values, plus one, minus one, ठीक है, plus three, minus three, plus two कर लेते हैं, plus two, minus two, plus three, minus three, so plus six, minus six, plus nine, minus nine, plus 12, minus 12, plus 15, minus 15. These are the fixed values, my dear kids. Plus 18, minus 18. Are you getting my point, my dear kids? So, ye jo values rahengi na, n ke saath, these will be fixed. So, if the values will be in the plus order, to us tarah ke factors ko kya kahenge hum? Multiples kahenge. Theek hai? If the values will be in the negative order, us tarah ke values ko kya kahenge? Submultiples kahenge. So, we are going to make the two columns of multiples as well as sub multiples. तो multiple का जो column बनाएंगे उसमें से और sub columns बनाएंगे, three sub columns. जिसमें होगा एक column आपका first column जो होगा it will be belonging to factor, ठीक है, factor. फिर उसके बाद होगा आपका prefix. फिर उसके बाद होगा आपका symbol. तो these three columns will be going to fix below multiples as well as sub multiples. Multiples और sub multiples के नीचे हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों columns डालेंगे बच्चों. Okay? So these are very easy to understand and these are very important to use, to get use into the physics. तो physics में इसका बहुत usage है बच्चों. तो इसको आप ढंग से सुन लीजिएगा. Fine. I'm telling out everything very much clearly. तो prefix किसे कहते हैं, English term, we are using prefix. कोई भी quantity लिख रहे हैं, अगर उसके सामने कोई एक quantity लिख दें, ये quantity है, इसके आगे लिख दें, तो इसको कहते हैं prefix. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, prefix. We should remember this. If any quantity you are writing, इसके सामने कोई भी आपने symbol रख दिया, x वाला symbol रख दिया, so this is called as prefix. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है, ठीक है, ओके. तो अभी एक बात बताना चाहता हूँ सर, वी यूजुअली राइट द प्रीफिक्स इन फ्रंट ऑफ क्वांटिटी ओनली सर. देखो बच्चों, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, वी ऑल नो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू बी लिख दो और एल्स बी इंटू ए लिख दो, दोनों एक ही होता है, ठीक है. सो वेन एवर यू यूज टू राइट द क्वांटिटी 20, ठीक है, 20 किलोमीटर, मतलब ये जो किलो है ना, आगे लिखोगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, के टू एम, ठीक है, और एल्स किलोमीटर 20, दिस विल बी नॉट द वे टू राइट. बट प्रीफिक्स क्या होता है, ऑलवेज इट इज रेफरिंग द फ्रंट सिंबल ऑफ द क्वांटिटी. तो ये जो 20 है ना, तो पहले 20 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना
यूनिट के साथ जो सामने आता है ना, क्योंकि हम 20 को जो है ना मीटर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ द मीटर कितना है किलो में, मतलब 10^3, 20 × 10^3 मीटर। तो इस 10^3 को हमने क्या बना लिया है, इसका इसका हमने सिंबल बना लिया k करके, स्मॉल k, फाइन। तो इसको 20 किलोमीटर वी कैन राइट लाइक दिस। नॉट ओनली फॉर दिस, व्हेन यू आर टेकिंग 50 सेंटीमीटर, ये सेंटी क्या होता है, 10^-2 होता है, 50 × 10^-2 मीटर, इज दैट क्लियर? और एल्स 50 milligrams, so milli is what, 10^-3 order of the mass, ठीक है? तो milligram, how you are going to represent like this, तो 10^-3 को आपने mg m कर लिया, तो g, तो this is the SI unit for what, mass, is that clear my dear kids? Yeah, तो ये तो बहुत ही easy था वैसे चीजों को समझने में, मैंने आपको प्रीफिक्स क्या बताया। और प्रीफिक्स जब भी हम लिखते हैं ना बच्चों, तो उसका क्या होता है, सिंबल होता है। प्रीफिक्स क्या होता है, बेसिकली नेम होता है कोई भी ऑर्डर का, जो आप फैक्टर लिखते हो कि 10^-3, इसको आप जब मिली लिखते हो, सो दिस कैन बी कॉल्ड एज द नेम ऑफ द ऑर्डर। प्रीफिक्स माने क्या है, नेम ऑफ द ऑर्डर, ठीक है? जो वैल्यू है उसका ऑर्डर का नाम को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं, जो कि सामने यूज किया जाता है SI यूनिट के। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज फैक्टर। फैक्टर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ये जो ऑर्डर है ना नीचे जाके मल्टीप्लाई कर रहा है, कहां पे, डिनोमिनेटर में। कैसे, आप इसको ऐसे लिखते हो, 10^-3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ऐसे। सो इफ एनी क्वांटिटी यू आर रिप्रेजेंटिंग q/1, तो 1 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करता है, तो 1 × q आता है, 10^3 × 1, सो दिस कैन बी रिटन एज q/10^3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी मान के चलो दिस इज मास, ठीक है? ये कौन सी क्वांटिटी है, ये मास है, तो q टाइम्स 10^3 को ऊपर उठाया, तो दिस विल बिकम 10^-3। फिर अगर इफ दिस इज मास इज रिप्रेजेंटिंग इन टू SI, so this should be what, this should be kg, ठीक है? तो मिली kg तो नहीं कह सकते, तो जैसे ही ये कन्वर्जन हो जाता है, q into 10^-3 किलो, किलो कितना है, 10^3 है, ये आपका ग्राम, so q ग्राम आ जाता है। सिर्फ जब प्रीफिक्स नहीं है तो यू शुड राइट gm, यू शुड नॉट राइट स्मॉल g, ठीक है? स्मॉल g माने q के साथ कोई इंक्लूडेड क्वांटिटी है, ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है, और एल्स इट विल बी कंसीडर्ड एज अ जी फैक्टर, ठीक है? इसीलिए जीएम यू शुड यूज, एंड यू शुड कीप सम गैप हियर बिटवीन क्वांटिटी एंड यूनिट्स, ठीक है? सो लाइक दिस, चलो अभी कॉलम बना लेते हैं। मैंने आपको बहुत सारे कंफ्यूजन दूर किए बच्चों इसमें से, हाउ यू आर यूजिंग दीज थिंग्स, ठीक है? प्रीफिक्स वाले चीज, सिंबल, ठीक है? क्योंकि यूनिट्स के साथ आपको सिंबल्स यूज करना ही पड़ेगा प्रीफिक्स का। चलो वी आर गोइंग टू पुट द कॉलम्स माय डियर किड्स। अभी कितने कॉलम्स डालेंगे, वी आर गोइंग टू पुट हेवी कॉलम्स, टू दो हेवी कॉलम्स डाल देते हैं, बड़े बड़े। फाइन, सो दीज आर द हेवी कॉलम्स to represent multiples as well as sum multiples. So this is the column with which you are representing what? You are representing multiples and sum multiples. ठीक है? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? We are making out the three columns inside what? Two big columns. Fine. Okay.
these are the serial number, हम लोग नहीं लिख लेंगे वैसे, ठीक है? So that will be better. थोड़ा सा एक काम करते हैं बच्चों. So for the naming, we are going to make it as very big. थोड़ा सा big बना लेते हैं ताकि वो easy बना रहे हैं gap लिखने के लिए. And eight rows we are going to make. कितने? 8 rows. Of equal size, ठीक है? चलो. See here, I'm making 8 rows inside of the column. थोड़ा सा ऊपर उठा दिया इसको. Now you can see we did this. Let me clear. Fine. So with the red color, I'm going to write this as multiple pulse. Okay. And in the sub second column, I will write it as sub multiples. Okay. Sure. So multiples as well as sub multiples. So the first column inside the multiples will be written as factor. This will be always in the order of what? 10 raised to n. ठीक? सही है ना? And sub multiples का factor रहेगा always in the order of 10 raised to minus n. Fine. So the second column from the multiples. This can be written as prefixes. Fine. Factors, prefixes. फिर यहाँ पे ये आपका symbols. Factors, prefixes, है ना? और ये आपका symbols. चल. So my dear kids, we do one thing. For the multiples, ये जो columns है ना नीचे. We are using red color, or else we do one thing, green color for the multiples. For the sub multiples, we use blue color. ठीक है, चलो. Since we know that the order of the multiples is in the positive order, तो highest number से जाते हैं 10 raised to 18, and then 10 raised to 15, as per NCERT. जैसे-जैसे दिया गया वैसे जाएंगे. 10 raised to 12. So 10 raised to 9, 10 raised to 6, 10 raised to 3, 10 raised to 2, 10 raised to 1. ठीक है बच्चों? So this is how we have written the factors, है ना? तो prefixes क्या क्या रहेंगे? For the नीचे से चले जाते हैं, 10 raised to 1 is deca. ठीक है, so this will be having the name for the factor in terms of positive order of the 10, 10 raised to 1 को deca बोलते हैं, and for the 10 raised to 2 it is hecto. ठीक है, तो for 10 raised to 3 क्या है? It is kilo, and for the 10 raised to 6 it is mega. याद है ना? And for the 10 raised to 9, it is giga. Okay. For the 10 raised to 12, it is tera. For 10 raised to 15 ke liye, peta. For 10 raised to 18 ke liye, exa. Theek hai? Exa. So you can see these things. Theek hai? ये तो चीजें सारी चीजें समझ में आती हैं हमको. एंड व्हेन यू आर राइटिंग द सिंबल फॉर द प्रीफिक्सेस डेका, इट कैन बी रिटन एज डीए. फॉर द हेक्टो यू कैन राइट इट एज स्मॉल एच. फॉर द किलो यू कैन राइट इट एज स्मॉल के. ये स्मॉल के है, ठीक है? ये कप्पा वाला सिंबल नहीं, ये किलो वाला सिंबल. मैंने ऐसे ऐसे खींचा है इसलिए कप्पा वाला मत समझना, दिस इज किलो. ओके. फॉर द मेगा इट इज
capital M. Okay, for the giga, you have capital G. For the tera, it is capital T. Okay, and for the peta, capital P. For the exa, capital E. Chalo. These are the symbols for the prefixes. हमने multiples कर दिए. अभी हम लोग सब मल्टीपल से जाते हैं. ठीक, तो सब मल्टीपल्स के लिए कौन से फैक्टर्स आएंगे, वी आर गोइंग टू सी दैट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट द फैक्टर्स. 10 रेज टू माइनस 18, 10 रेज टू माइनस 15, 10 रेज टू माइनस 12 और 10 रेज टू माइनस 9, 10 raised to minus 6, 10 raised to minus 3, okay. So 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 1. So my dear kids, इसके जो prefixes के names as well as symbols भी देख लेते हैं. चलो नीचे से आते हैं, ठीक है? 10 raised to minus 1 का क्या आता है? Deci आता है, okay. And the symbol for the deci is small d. 10 raised to minus 2 is centi. तो इस prefix को क्या बोलते हैं? इस factor के prefix को centi बोलते हैं. And the symbol for the centi is small c. And 10 raised to minus 3 is milli. Or symbol for this prefix is small m. So 10 raised to minus 6 is micro. And the symbol for this is ऐसा. यू का कान खींचाओ. Right, so the 10 raised to minus 9 is a nano, and the symbol for this is small n. ठीक है, चल. 10 raised to minus 12 is pico. ठीक, so symbol for this is small p. 10 raised to minus 15 is femto. Symbol for this is small f. 10 raised to minus 18. Prefix used is atom, and the symbol is small p. Chalo, theek hai. So appendix A2 is over, my dear kids. So humne appendix A2 ko bhi kya kar liya? Complete kar liya. So after this, we are going to move to the appendix A3. Theek hai? My dear kids, appendix A2 ho gaya. तो अपेंडिक्स A3 करने का कोई दिक्कत नहीं है, बट इट विल एलोंगेट द लेंथ ऑफ द वीडियो माय डियर किड्स. तो इसका जो लेंथ है ना वीडियो का, बहुत ही बढ़ जाएगा, क्योंकि जब अपेंडिक्स A3 बोलूंगा उसमें बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट बोल के, वी बोल के, सिर्फ 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड ऐसे बोल के, इफ आई राइट तो आपके पास बुक ही है, तो उसको थोड़ा सा लेंदी एक्सप्लेन करूंगा. तो इसीलिए यहाँ पे इसमें ऐड ना करते हुए आई विल क्लोज दिस वीडियो माय डियर किड्स, बिकॉज इन दिस वीडियो वी लर्न अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स A1 एंड अपेंडिक्स A2. अपेंडिक्स A3 के लिए वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको लेक्चर 4 में डालेंगे. सो लेक्चर 3 यहां तक क्लोज कर देंगे. सो वी स्टडीड इन द अपेंडिक्स A1 ग्रीक अल्फाबेट्स, इन द अपेंडिक्स A2 कॉमन SI prefixes and symbols of multiples and submultiples. बहुत अच्छी तरीके से इसको देखा है. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? बिल्कुल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक माई डियर किड्स, जय हिंद, नमस्ते.